खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और खूबसूरत नाम में होशाना टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन और सामईन को आपका खादिम, आपका मेज़बान पादरी आमिर इकबाल आपके मनपसंद प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुशामदीद कहता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जिसने हमें आज की सुबह ये मौका बख्शा कि हम उसके पाक कलाम को सीखें, और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर रोज़ हमें नए खादिम फराहम करता है जिनसे हम खुदावंद का पाक कलाम सीखते हैं। अजीज़ नाजरीन, आज जो हमारे साथ खुदावंद के खादिम हैं उनका नाम है रेवरेंड नैयर रहमत साहब। ये गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से ग्रेजुएट हैं और लाहौर जहानाबाद में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम देते हैं। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुबशराना खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। सर, हम आपको प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया पादरी साहब, शुक्रिया। अज़ीज़ नाजरीन, हम अपने मोजज़ मेहमान से दरख्वास्त करते हैं कि खुदावन ने जो कुछ मेरे लिए और आपके लिए इनको अनायत किया है वो हमारे साथ ज़रूर बांटे। आए हम खुदावन के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं और अमाल की किताब और उसके पहले बाब की छठी आयत से नौवीं आयत तक हम जो है आज के लिए हवाला देखेंगे। जी, खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, पस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। जी नाजरीन, आइए हम सब अपने सिर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक सच्चे जिंदा आसमानी बाप, हम आपके पाक बेटे के खून की बुनियाद पर आपके कदमों में हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने हमें बख्श दिया। एकादर मुतलक सच्चे जिंदा आसमानी बाप, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एकादर मुतलक सच्चे जिंदा आसमानी बाप, आपके बंदे पादरी नैयर रहमत साहब को आपके सुर में याद करता हूँ, इनके लिए बरकत सलामती रहमत की दुआ करता हूँ। खुदावन, आज का ख्याल मेरे लिए और मेरे नाजरीन के लिए बरकत का बाइस ठहरे और हम इस ख्याल के वसीले से ऐ बाप बरकत पर बरकत हासिल करें। ऐ बाप हमें बड़ी बरकत दीजिए, सब कुछ ऐ बाप आपके पाक बेटे के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। पादरी साहब, हम आपको एक मरतबा फिर प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें मज़ीद इस पर सिखाइए। हम जो है वो खुदा के पाक कलाम में से खुदावन खुदा की बादशाही के ताल्लुक से सीखेंगे। जी, तो बादशाही का जो ये मज़मून है, ये जो टॉपिक है बाइबल मुकद्दस का, ये एक गालब मज़मून है और बहुत ज़्यादा इसकी तालीम और तरबियत हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलती है। इसकी इब्तदा जो है वो कलाम मुकद्दस में हमें बनी इसराइल से मिलती है कि जब बनी इसराइल में बादशाही की बुनियाद रखी गई, तो बादशाही का जो ये नज़रिया है ये खुदा ने खुद बनी इसराइल को दिया है। जी, क्योंकि दुनिया में बनी इसराइल की बादशाही से पहले, जो कि एक दुनिया की बादशाही थी, तो उससे पहले भी यानी बादशाहियाँ मुख्तलिफ दुनिया में मौजूद थी, बादशाहियाँ चल रही थी। और फिर जो है वो जब मुल्क मिस्र से खरूज के बाद खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क कनान में बसाया, तो फिर लोगों ने खुदा से अपने लिए बादशाह मांगा, क्योंकि वो दुनिया की तरह की एक बादशाही चाहते थे। अगर बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल मुकद्दस में जो बादशाह के हवाले से जो तालीम है, जो तरबियत है, जो नज़रिया है, वो ये है कि खुदा अपनी कौम का खुद बादशाह है। बिल्कुल। लेकिन बनी इसराइल ने मुल्क कनान में जब बसना शुरू किया तो इर्द गिर्द की कौमों को देखकर उन्होंने अपने लिए कौम में से ही बादशाह
तलाश किया और खुदा से उसकी डिमांड की जी, और वहां से फिर जो है दुनिया में बनी इसराइल की बादशाही की बुनियाद रखी गई। अब ये सिलसिला जो है ये चलता है और खुदा बनी इसराइल की इस बात से खुश नहीं नजर आता जी। खुदा खुद उनका बादशाह है जी, मुल्क मिस्र से उनको खुद छुड़ाता है और उनको हर चीज मुहैया करता है जिसमें निजात है, जिसमें रिहाई है, मखलसी है, उनका खाना पीना है, उनकी हर जरूरत को खुदा अपने हजूर से पूरा करता है जी। और इसका मतलब ये हुआ कि खुदा उनका बादशाह है जो उनको हर चीज मुहैया करता है जी। लेकिन बनी इसराइल ने जब वो किनान में बस जाते हैं तो फिर उन्होंने अपनी नजरें खुदा से हटा के दुनिया के किसी बादशाह की तरफ लगा ली। अब यहां पे जो बुनियादी चीज है वो ये है जी कि जब उनका मुहैया करने वाला आसमानी बादशाह मौजूद है तो क्यों वो दुनिया के बादशाह को देख रहे हैं कि वो उनको दे और वो उन पे हुक्मरानी करे। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको बादशाह दे दिया जी। और पहला बादशाह हम देखते हैं साउल, हाँ जी, बनी इसराइल का पहला बादशाह है बेशक। और पहले बादशाह से ही कौम में खराबी का आगाज शुरू हो जाता है। और यहीं से फिर हम देखते हैं कि क्यों खुदा नहीं चाहता था कि बनी इसराइल को दुनिया का बादशाह वो दे जी। और जब जैसे जैसे इस बादशाही में बनी इसराइल बढ़ते गए, अपना वक्त इसमें गुजारते गए, वैसे वैसे वो बरगश्तगी का शिकार होते गए। बेशक वो सरकशी और बरगश्तगी का जो है वो शिकार होते नजर आते हैं जी, बिल्कुल। और बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल वजाहत से ये चीजें बयान की गई हैं, हर एक बादशाह जी के बारे में बताया गया कि किस तरह उसने खुदा के अहकामात और खुदा की शरीयत से खुदा के लोगों को दूर कर दिया जी। बेशक उसमें फिर अच्छे बादशाह भी आए जी, लेकिन वो भी एक मुकम्मल बादशाही देने में नाकाम रहे जी। जो बादशाही खुदा की थी, जिसमें कामलियत थी, वो बादशाही कोई भी बादशाह इसराइल का नहीं दे सका जी। और हकीकी बादशाह जो है वो इसराइल से दूर ही रही। एग्जैक्ट, यानी जो हकीकी बादशाही थी, हकीकी आसमानी बादशाही थी, इलाही बादशाही थी जी, क्योंकि बनी इसराइल को तो चुना ही इसलिए गया कि वो अबदी तौर पर बादशाही के वारिस रहे जी, और एक कामिल बादशाही। इसीलिए जो है वो हमें पुराने अहदा में मिलता है कि उनको शाही काहिनों का फिरका कहा गया जी। तो ये चीज जो है इससे हम देखते हैं कि जब दुनिया में बादशाही की बुनियाद रखी गई जी, तो उन्होंने इंसान को अपना बादशाह मुकरर कर लिया। और हम देखते हैं कि बनी इसराइल की यह बादशाही सबसे पहले तो दो हिस्सों में तकसीम हो गई जी, और ज्यादा यानी कि खराबी के और ज्यादा जो है वो नताएज हमें नजर आते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों ही जो बादशाहत के दोनों निजाम थे जो जी, एक को इसराइल की बादशाहत कहा गया और एक को यहूदा की, 10 कबाइल की बादशाहत जो थी वो इसराइल की बादशाहत थी और जो 2 कबाइल की बादशाहत थी वो यहूदा की थी। और फिर हम देखते हैं कि बड़ी तरतीब से बाइबल मुकद्दस ने हमें सिखाया है कि इस दुनिया की बादशाही कौम को, ईमानदारों को गुमराह करने का वसीला बनी। बिल्कुल, जो मिजाजी बादशाहत है यस, उसने जो है वो लोगों को ज्यादा तौर पर गुमराह कर दिया जी, खुदा के कलाम से बरगश्ता कर दिया। और इसकी इतनी ज्यादा हम तबाही देखते हैं जी कि यहां तक कि जो 10 कबाइल थे वो तो बिल्कुल इस दुनिया से अपनी पहचान जो खुदा ने उनको बख्शी थी खो बैठते हैं। बिल्कुल, 722 BC में जी शाह असूर ने उनको पूरी दुनिया में जो है वो तितर बितर कर दिया जी। और उनकी जो एक इनफरादियत थी, जो खुदा के साथ उनका एक रिश्ता था, हाँ जी, जो एक पहचान उनको मिली जी,
वो ख़त्म हो गई और उनका वकार, उनका मयार, उनकी इज्जत जी, उनकी शान व शौकत वो सब जाती रही। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि योद्धा की सल्तनत जो है, योद्धा की सल्तनत का भी यही हाल हमें नज़र आता है। लेकिन जब हम इस दौर का, जो बनी इसराइल का शाही दौर हमें ज़मीन पर नज़र आता है जी, जब हम इसका इख्तिताम देखते हैं जी, उसके साथ ही खुदा उन्हें उम्मीद भी दिलाता है, ज़बरदस्त, यानी बहाली। तो बहाली जो अंबिया असगर की जो हमें सारी नबूवत नज़र आती है, उसमें फिर बड़ी तरतीब के साथ हमें कौम के लिए हौसला मंदी नज़र आती है जी, बहाली नज़र आती है, तसल्ली नज़र आती है और अबदी आराम नज़र आता है। और उसमें फिर खुदावन यीशु मसीह की बादशाहत की बाजगश्त भी हमें बिल्कुल सुनाई देती है। और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता बुनियादी तौर पर जो अंबियाए असगर की जो नबूवतें हैं जी, वो हमें, वो दर हकीकत हमें फिर अबदी बादशाहत की तरफ और अबदी बादशाह यीशु मसीह की तरफ फिर लेके जाती है जी। क्योंकि उससे पहले खुदा ने भी देख लिया कि मैंने अपनी कौम को, बनी इसराइल को इस दुनिया में बादशाही दी जी, जो इंसानों के ताबे थी। खुदा ने भी जो है वो देख लिया और इंसानों ने भी तजर्बा कर लिया। यस जी। और बनी इसराइल ने भी तजर्बा कर लिया जी कि जो बादशाही हमें इस दुनिया में मिली है, जिसको हमने खुद डिजाइन कर लिया है, तो उसकी बुनियाद जो है वो खुदा ने नहीं रखी। और फिर उसका अंजाम हमें नजर आता है कि वो अबतरी, बदमनी और उसमें फिर मुख्तलिफ कौमों में रसवाई और ज़िल्लत के तौर पर, खुदा से दूरी और बरगश्तगी के तौर पर हमें नज़र आता है। इंसानी जो बादशाहत है या जो मिजाजी बादशाहत है, उसका जो अल्टीमेट नतीजा है वो खुदा से दूरी है। खुदा से दूरी जी। और फिर खुदा क्या करता है कि फिर खुदा अपने आप को, अपनी अपनी मर्जी को, जो उसकी इलाही मर्जी है, फिर उसको जाहिर करता है। और फिर वो बताता है कि अब मैं तुम्हारे लिए एक बादशाह का इंतजाम करूंगा, नए बादशाह का, जो मेरी तरफ से होगा जी, जिसकी बादशाही की फिर इंतहा ना होगी और उसकी बादशाही में इंसाफ होगा, अदल होगा, उसकी बादशाही में अमन होगा जी, रास्ती होगी, शांति होगी। यानी हर किस्म की ज़रूरत जो एक इंसान को इस दुनिया में रहते हुए चाहिए, वो उसको फिर उस बादशाही में मिलेगी जिसे खुदावंद खुद खड़ा करेगा। आमीन आमीन। और उसी के ताल्लुक से ये जो मतन हमने पढ़ा है जी, इसमें हम देखते हैं कि इसमें शागिर्दों का भी कंसर्न जो है, जो शागिर्दों के अंदर एक बेचैनी हमें नजर आ रही है, वो बादशाही के ताल्लुक से ही है। जबरदस्त। क्योंकि रोम जी, रोम की सारी बादशाही में यहूदी गुलाम हैं और यहूदियों की तारीख है जी कि यहूदियों ने कभी भी किसी कौम को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दिया। बेशक बेशक नाजरीन, हम जो है वो आज बादशाही के ताल्लुक से सीख रहे हैं और खुदावंद के खादिम हमें हकीकी बादशाहत के ख्वास के बारे में सिखा रहे हैं कि हकीकी बादशाहत में रास्तबाजी होगी, अदल होगा, इंसाफ होगा, किसी के साथ बुरा नहीं किया जाएगा। अजीजो, अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।